दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे कपल्स के बारे में बताएंगे जो इस साल शादी के बंधन में बन चुके हैं। आपको बता दें कि इस साल की शादियां हमेशा से काफ़ी डिफरेंट थी, क्योंकि कोविड के चलते सभी कपल्स ने केवल अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही सारे फंक्शंस किए। तो चलिए शुरू करते हैं इस साल के सबसे ज़्यादा चहेते कपल से। नंबर 1, कटरीना कैफ और विक्की कौशल। कॉफी विद करण शो से शुरू हुई इनके लव स्टोरी ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। दोनों ने रॉयल अंदाज में राजस्थान के सवाई माधोपुर के 700 साल पुराने किले में शादी की और दोनों के सभी फंक्शन की फोटोज ने सोशल मीडिया पर एक अलग ही ट्रेंड सेट कर दिया था। नंबर 2, वरुण धवन और नताशा दलाल। 2021 की शादियों की शुरुआत बचपन के लवर्स वरुण और नताशा ने ही की थी। वरुण और नताशा एक दूसरे को 6 स्टैंडर्ड से जानते हैं। नताशा एक सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर है। दोनों ने कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में अलीबाग में शादी की। नंबर 3, यामी गौतम और आदित्य धार। यामी और आदित्य की लव स्टोरी फिल्म उरी के प्रमोशन से शुरू हुई। एक्ट्रेस यामी गौतम और फिल्म उरी के डायरेक्टर आदित्य धार ने अपनी शादी की फोटोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके पूरे देश का दिल अपनी सादगी से जीत लिया। दोनों ने 4 जून को हिमाचल प्रदेश में यामी के फार्म हाउस पर करीबी लोगों के बीच में शादी की। नंबर 4, राहुल वैद्य और दिशा परमार। राहुल और दिशा एक सॉन्ग शूट के दौरान मिले थे। इसके बाद राहुल ने बिग बॉस 14 में पूरे देश के सामने अपनी टी शर्ट पर मैरी मी लिखकर दिशा को प्रपोज किया और फाइनली खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के शूट के बाद दोनों ने बड़ी धूमधाम से शादी कर ली। नंबर 5, राजकुमार राव और पत्रलेखा। 11 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद फाइनली एक्टर राजकुमार और पत्रलेखा ने 15 नवंबर को चंडीगढ़ में शादी की। नंबर 6, दिया मिर्जा और वैभव रेखी। फेमस एक्ट्रेस दिया मिर्जा 15 फरवरी 2021 को बिजनेसमैन वैभव रेखी के साथ शादी के बंधन में बंध गई थी। ये शादी दोनों की दूसरी शादी थी। इससे पहले दिया की शादी 2014 में साहिल सांगा से हुई थी, लेकिन दोनों ने 2019 में डिवोर्स ले लिया था। आपको बता दें कि कन्यादान से लेकर विदाई जैसी रस्मों में एक महिला पंडित को आमंत्रित करने पर दिया ने अपनी शादी से एक नया एग्जाम्पल सेट कर दिया था और साथ ही साथ दिया ने 14 मई को एक बेटे को भी जन्म दिया। नंबर 7, पूजा बैनर्जी और कुणाल वर्मा। टीवी जगत के फेमस एक्टर पूजा और कुणाल की शादी अप्रैल 2020 में होने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और उसके बाद अक्टूबर 2020 में दोनों एक बेटे के माँ बाप बने। लेकिन इसके बाद नवंबर 2021 में दोनों ने गोवा में बंगाली रीति रिवाज के साथ फिर से शादी की। नंबर 8, एवलिन शर्मा और तुषार बिंदी। एक्ट्रेस एवलिन शर्मा ने अपने बॉयफ्रेंड तुषार बिंदी के साथ, जो कि एक डेंटल सर्जन है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ शादी की। दोनों की मुलाकात एक ब्लाइंड डेट से हुई और कुछ अरसे तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 2019 में इन्होंने इंगेजमेंट की। 2021 में शादी होने के बाद नवंबर में एवलिन ने एक बेटी को जन्म दिया। नंबर 9, आदित्य सील अनुष्का रंजन। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के एक्टर्स आदित्य और अनुष्का एक दूसरे को 3 साल से डेट कर रहे थे। दोनों की शादी की फोटो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। दोनों के आउटफिट्स और कपल शूट को लोगों ने काफी पसंद किया था। नंबर 10, अंकिता लोखंडे और विक्की जैन। मशहूर टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता की एक्ट्रेस और सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे बहुत ही धूमधाम से बिजनेसमैन विक्की जैन के साथ 4 दिसंबर को शादी के बंधन में बंध गई। दोनों की मुलाकात 2018 की एक पार्टी में हुई थी। दोस्तों, आपकी 2021 की सबसे फेवरेट शादी कौन सी थी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोज़ के लिए इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करें।